हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्नो एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट यानी कि एसी और डीसी करंट में क्या अंतर होता है और यह किस प्रकार से वर्क करता है। और दोस्तों ये भी हम आपको बताने वाले हैं कौन सा करंट इसमें से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। दोस्तों हम पहले देखेंगे एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को। दोस्तों इसका हम इस तरह से हम ग्राफ बना दिए हैं। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, जब भी किसी इंसान को पकड़ता है या किसी को झटका मारता है, तो ये दोस्तों एक सेकेंड में 100 बार पकड़ता है और 100 बार ये छोड़ता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है। तो दोस्तों इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट वर्क करता है। और दोस्तों हम आपको बता दें, अल्टरनेटिंग करंट उसे कहते हैं जो कि हमारे आपके घरों में आता है 240 वोल्टेज का जो करंट होता है, इसको हम एसी कहते हैं। और जो डीसी करंट होता है, वो जो इन्वर्टर का बैटरा होता है उसमें हम डीसी करंट को स्टोर कर सकते हैं। कोई भी बैटरी हो जो कि रिचार्जेबल हो, उसमें डीसी करंट होता है। और जो एसी करंट होता है, ये जो है कि हमारे घरों में जो आता है उसको हम एसी करंट बोलते हैं। तो दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं किस प्रकार से एसी करंट फ्लो करता है, किस प्रकार से डीसी करंट फ्लो करता है। तो दोस्तों जो एसी करंट होता है, और ये वायर के ऊपरी भाग से फ्लो करता है, वायर जो होता है उसके बाउंड्री से ये फ्लो करता है। इस तरह से ये वायर के सेंटर से फ्लो नहीं करता। और जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, वो वायर के सेंटर से फ्लो करता है और जो वायर की बाउंड्री होती है किनारा, वहां से फ्लो नहीं करता। और दोस्तों ये जो डीसी करंट है, ये किसी भी इंसान को एक बार अगर पकड़ता है तो ये छोड़ता नहीं है। इस तरह से इसमें आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ है, जब ऊपर जाएगा तो पकड़ लेगा और जब नीचे जाएगा तो ये छोड़ देता है, फिर ऊपर जाता है फिर पकड़ता है, फिर जब नीचे जाता है तो ये छोड़ता है। इस प्रकार एक सेकंड में 100 बार पकड़ता है और 100 बार छोड़ता है। और जो डीसी करंट है, वह एक ही बार अगर किसी को पकड़ लिया तो वो छोड़ता नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो डीसी करंट एसी करंट से ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार के मेटल में सबसे अच्छा करंट फ्लो करता है और किस में उससे बहुत कम करंट फ्लो करता है। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो सिल्वर में सबसे अच्छा करंट फ्लो करता है, यानी कि सिल्वर में जितना इनपुट आप देंगे उतना आउटपुट निकल जाएगा। यानी कि अगर आप यहाँ से 5 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं इस तरफ की तार से, तो यहाँ भी 5 एम्पियर का करंट आउटपुट बाहर निकलेगा। और इसके बाद आता है कॉपर का वायर। दोस्तों सिल्वर जो है कि 100% सुपर कंडक्टर होता है, इसको हम सुपर कंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं, सुपर कंडक्टर। और दोस्तों अगर कॉपर को देखा जाए तो ये जो कॉपर का वायर होता है, एक कुछ पार्ट को अपने तरफ अपने में अवशोषित कर लेता है। यानी कि अगर आप यहाँ से 5 एम्पियर का करंट दे रहा है तो यहाँ से कुछ पार्ट अपने अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी आउटपुट देता है। दोस्तों इससे जो कम आउटपुट देता है वो एल्युमिनियम का वायर होता है, जो कि कॉपर के वायर से कम आउटपुट देता है। और दोस्तों जो आयरन होता है, लोहे का तार होता है, वो एल्युमिनियम के वायर से कम आउटपुट देता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वायर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि करंट मारता कैसे है। आप जब भी किसी की इलेक्ट्रिक करंट को आप टच करते हैं तो आपको किस तरह से वो मारता है। तो दोस्तों करंट आपको तभी मारता है, वोल्टेज डिफरेंस से करंट मारता है। अगर आप 440 वोल्ट इस तरफ और 440 वोल्ट इस तरफ आप दोनों एक साथ अगर टच करते हैं तो आपको करंट नहीं मारेगा। दोस्तों जब भी वोल्टेज का डिफरेंस होगा तभी करंट मारता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि जो अमेरिका में जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, वो अपने बॉडी में करंट का फ्लो करवाते हैं ताकि सेल जल्दी न मरे। दोस्तों जब कोई भी इंसान यंग एज का रहता है तो उसमें जो सेल होते हैं, जिससे बॉडी बनी है शरीर, तो उसमें जो सेल होती है वो बनते ज़्यादा है और मरते कम है। और धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगती है तो यही सेल जो होते हैं वो बनते कम है और मरने ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए हमारी जो है त्वचा होती है ओल्ड एज में ढीली पड़ने लगती है। इसी से बचने के लिए अमेरिका के लोग अपने बॉडी में करंट को फ्लो करवाते हैं ताकि सेल जल्दी मरे ना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।